गरीब का फ्लाइट यात्रा। खिल्लापुर नाम के एक गांव में शुभम नाम का एक गरीब किसान हुआ करता था। उसके बीवी और दो बच्चे थे। पति पत्नी दोनों बहुत मेहनत करके अपने खेत में काम करते थे। बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। शुभम और उसका परिवार भगवान के सच्चे भक्त थे। उन्हें जब भी समय मिलता तो किसी स्वामी जी को बुलाकर उन्हें भोजन खिलाते थे। स्वामी जी उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते थे। शुभम के बच्चों को आए दिन आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखना बहुत पसंद था। रे भाई, वो जहाज बहुत अच्छा है ना? वो कहाँ जा रहा है रे? उसमें कौन बैठते हैं? हम वो जहाज कब चढ़ेंगे भाई? क्या हम उस पे चढ़ेंगे? वो कभी नहीं हो सकता। उसमें सिर्फ अमीर लोग ही चढ़ेंगे। हमारे जैसे गरीब नहीं चढ़ सकते। एक दिन वो बच्चे ऐसे आसमान में उड़ते हुए जहाज को देखने लगे। बस एक जहाज में से धुआं निकलकर वो सीधे आकर शुभम के खेत में गिर जाता है। वो देखकर शुभम और उसकी पत्नी डर गए। दोनों बच्चे भागते हुए वहाँ पर आए। जहाज के अंदर से एक पायलट उतरकर बाहर आया। भाई, किस्मत अच्छी थी कि इसमें आज एक भी यात्री नहीं था। कृपा करके जरा इसे देखना, मैं जाकर मैकेनिक को लाऊंगा, कहकर शुभम को बोलकर वहाँ से चला जाता है। पिताजी, एक बार जहाज पे चढ़ेंगे पिताजी, प्लीज पिताजी। ऐसे वो सब उस जहाज पे चढ़कर अंदर बैठकर उसे देखते हुए खुश होने लगे। पिताजी, अंदर बहुत अच्छा है ना? ये अब उड़ेगा तो कितना अच्छा रहेगा पिताजी। क्या करेंगे, ये उड़ नहीं सकता ना? ओजी, ये नहीं उड़े तो भी चलेगा। कम से कम ऐसे जमीन पर एक चक्कर मारेगा तो अच्छा रहेगा ना? बच्चे खुश होंगे। सचेरी, जब तक पायलट मैकेनिक वालों को यहाँ लाए, तब तक बच्चों को जहाज पर सैर कराएंगे। बाद में वो उस जहाज को बैलगाड़ी के पहिए जोड़कर उसके पंखों को बैलों के सिंह के ऊपर आए जैसे प्रबंध करके उस जहाज को चलाने लगा। अंदर बैठा हुआ शुभम और उसका परिवार बहुत खुश होने लगे। ऐसे वो बच्चे आए दिन उस जहाज पे घूमने लगे। आए, अच्छा है, अच्छा है। पिताजी, पिताजी, इसे हम अपने पास ही रखेंगे पिताजी। हाँ पिताजी, वैसे भी हम इस पर चढ़कर उड़ नहीं सकते ना, इसे अपने पास ही रखेंगे पिताजी। गलत बात है बेटा, ये अपना जहाज नहीं है। सच कहूँ तो उनके अनुमति के बगैर इसे पहिए जोड़कर ऐसे खींचना भी गलत बात है। एक दिन एक स्वामी जी वहाँ पर आए। बेटा कैसे हो? लगता है बच्चे ये विमान छेड़कर बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ स्वामी जी, मैंने इन्हें इतना खुश होते हुए कभी नहीं देखा। मगर उस जहाज को लेने के लिए अधिकारी आएंगे तो कहीं बच्चों का दिल ना टूट जाए, ये सोचकर बहुत दुख होता है स्वामी। पायलट आकर इसे ले जाने तक ही ये बच्चे खुश रहेंगे, कहकर उदास होकर कहा। बेटा दुखी मत हो, उस जहाज को हवा में उड़े जैसे मैं करूँगा। बच्चों के खुशी से ज्यादा हमें और क्या चाहिए? आप सब जाकर जहाज पर चढ़िए, कहकर जहाज पर मंत्र डालता है। ऐसे वो लोग जहाज पर चढ़ते ही वो जहाज बैलों के साथ साथ आसमान में उड़ने लगा। बच्चे बहुत खुश हुए। बाद में वो जहाज आकर जमीन पर उतरती है। शुभम उस जहाज के पहियों को और बैलों को निकाल देता है। पायलट और मैकेनिक आकर जहाज का मरम्मत करते हैं। पायलट एक विजिटिंग कार्ड शुभम को देकर, बहुत धन्यवाद जी, मैंने आपके बारे में मेरे कंपनी वालों से बात किया है। हमारे जहाज की देखभाल करने के बदले हमारे कंपनी वाले आपको जिंदगी भर साल में एक बार आपके परिवार के लिए मुफ्त में हवाई जहाज के उड़ान भरने का इंतजाम किए हैं। आपको ये कार्ड दिखाए तो बस है, देश में कहीं पर भी मुफ्त में जा सकते हैं। बाद में वो जहाज हवा में उड़ने लगा तो शुभम और उसका परिवार खुशी से उन्हें अलविदा किए। तब से हर साल शुभम अपने परिवार के साथ देश में किसी न किसी राज्य को जहाज में घूमते हुए बहुत खुश होने लगे।